काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी हर कोई काट लेता है, इस तरह से जियो कि मिसाल बन जाए। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो हमसे 2017 में पूछा गया था। तो ये न्यूमेरिकल तो हम सॉल्व करेंगे और एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जो इससे रिलेटेड होगा, वो आप न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करोगे। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं आज का अपना ये प्यारा सा न्यूमेरिकल। देखिए, हमारा न्यूमेरिकल है 2 बिंदु आवेश 5 × 10⁻¹⁹ कूलाम व 10 × 10⁻¹⁹ कूलाम 1 मीटर की दूरी पर पृथक्कृत स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के, ध्यान से पढ़ो इस लाइन को, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? बहुत ध्यान से पढ़ना इसे। चलिए फिर अब हम करते हैं इसे सोल्व। कैसे करेंगे सर? देखिए, बहुत ध्यान समझिए या लिख दो यहां पर हल, हमेशा करना है हल। चलिए देखो, पहले इस पूरी बात को मैं यहां लाता हूं। भाई हमारे पास 2 बिंदु आवेश है, हमने माना एक बिंदु आवेश हमारा ये है और एक बिंदु आवेश हमारा ये है, सही। इसे Q1 मान लो, इसे Q2 मान लो, या हमें दे रखी इनके आवेश, आवेश लिख दो। हमें दे रखा भाई ये वाला आवेश 5 × 10⁻¹⁹ कूलाम और ये वाला आवेश हमें दे रखा है 10 × 10⁻¹⁹ कूलाम। क्लियर? इनके बीच की दूरी वो बोलता है, वो कहता है कि कितनी है, 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। चलो सही है, हमारी बात यहां तक क्लियर हो गई। ये दोनों 1 मीटर की दूरी से एक दूसरे से पृथक है, अलग अलग है, सेपरेट है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर, अब देखो इन दोनों आवेशों को ये रेखा मान लिया जोड़ रही है, सही है। किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? हमने मान लिया वो बिंदु हमारा ये है, इसे हमने नाम दे दिया ओ, नाम दे दिया, जो कि हमारे इस आवेश से, इसे हम Q1 कह दें, ये हमारा क्या Q2 है। तो हमारे जो Q1 आवेश है, जिसका मान हमें पता है, कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है, x दूरी पर, मतलब x मीटर पर है। तो फिर इस वाले आवेश से ये जो बिंदु है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य है, जो हमने मानी है, वो कितनी दूरी पर होगा भाई? सर 1 − x मीटर पर होगा, सही है। वो कितने पर होगा? 1 − x मीटर पर होगा। देखो, इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, मैंने कह दिया इसे E1, क्या कह दिया मैंने, E1, और इस बिंदु आवेश के कारण ये होगी और इसे मैंने कह दिया E2। अरे E1 नहीं, E2, बताइए। ये पूरी बात आपकी यहां आ गई, उसे समझो जरा ध्यान से, इसे पढ़ो दोबारा और फिर समझो, फिर मैं आगे चलता हूं। वीडियो पॉज करो, इसे पढ़ो और इसे समझो, बताइए आई बात समझ में नहीं आई? चलिए अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे। देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, क्या फॉर्मूला था सर, E = 1/4 πε₀₀Q/r² और बेटा इसे ब्लैक पेन से लिखिए और बॉक्स में बंद कर दीजिए। हम इस आधार पर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब इस बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? अगर शून्य है तो हमारा E1 = E2 होगा। भाई हम ये तो जानते हैं कि अगर हमारे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य है, तो E1 बराबर क्या होगा, E2 होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
शून्य है, तो अतः E1 बराबर E2, सही। आप क्या करेंगे सर, बस E1 की यहां वैल्यू रखो, E2 की यहां वैल्यू रखो, बस वो आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्या करें, अब E1 E2 की वैल्यू रखो, देखो इसके और इसके मध्य के लिए E1 की वैल्यू रखना, इसके और इसके मध्य के लिए E2 की वैल्यू रखना, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलो 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 चलो, चलिए देखिए, E1 1/4πε0Q1 हमें दे रखा है कितना, 5×10⁻¹⁹ अपॉन r स्क्वायर। r क्या हमारा सर, x है, तो यहां लिख देंगे x स्क्वायर। चलिए बराबर करते हैं 1/4πε0Q2। Q2 कितना हमारा सर, 10×10⁻¹⁹ अपॉन r स्क्वायर कितना है सर, 1-x स्क्वायर। अब देखिए कुछ कट पिट रहा है जी सर, यहां से इसे काटिए और यहां से इसे काटिए, ये पावर गायब, तो ये भी क्या हो गई गायब, सही है। और देखो क्या बचा, 5×5 और 5×10। यहां क्या बचा हमारा, यहां हमारा बचा सर 1/x स्क्वायर बराबर 2/1-x स्क्वायर, सही है। चलिए इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ, तो इससे क्या फायदा होगा, आओ देखते हैं क्या फायदा होता। सही, देखो ये गया इधर, ये गया 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करोगे क्या हो जाएगा, देखो 1x बराबर x तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये बेचारा फंस जाएगा अंडर रूट में, आपका 2 फंस जाएगा कायम है अंडर रूट में। अब क्या करें, अब x के पद एक तरफ कर लो, देखो भैया हम कर लेते थे 1 = उधर ले गए तो प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो प्लस का हो गया। अब क्या करें सर, देखो बहुत ध्यान समझो, अब मैं एक काम कर सकता हूं, चलो नीचे नीचे करता हूं मैं, 1 = यहां से x कॉमन निकालो, निकाल लिया, क्या बचा अंडर रूट 2+, वही तो बचेगा, सही है। x की वैल्यू हमें निकालनी है यहां से, तो हम x को इधर लिया है, तो ये इसके बड्डे में आ जाएगा 1 के अंडर रूट 2+1। अब कैसे सोल्व करें इस बात को, इतनी बात तो हमारी आ गई है। देखो भाई एक काम करते हैं हम, यहां से देखो हम अंडर रूट 2 की वैल्यू रख दें, हम जानते हैं कितनी वैल्यू होती है बेटे, 1/1.414, ये अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है, प्लस 1 कर दिया, बताओ कितना बन जाएगा यहां पर, यहां बन जाएगा आपका 1/2.414 बनेगा, नहीं बनेगा। अब क्या करें, देखो जब से भाग दोगे ना तो वो आंसर कितना अच्छा आएगा इसका, बहुत प्यारा आंसर आएगा, पता कैसे, देखो इसे भाग करोगे ना कितना है 414, यही आंसर आएगा। इतना अच्छा आंसर आया यार, बताओ देखो 0.4, रुक जाओ यार यहां पर ना शायद कट रहा होगा, वीडियो में दिखाई दे रहा होगा यहां पर, तो मैं यही लिख देता हूं, मेरा आ जाएगा x = जब इसे भाग दूंगा, देखो आगे जो डिजिट है 0.414 मीटर, सही है 4.4 मीटर। देखो तो हमारा जो आवेश Q1 था 5×10⁻¹⁹ कूलम से 0.14 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब लिख देते हैं आवेश 5×10⁻¹⁹ कूलम से 0.414 मीटर
की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। अगर तुम बताना चाहते हो यहां से भाई Q2 से, तो मैं क्या करूंगा, अगर आप यहां से बताना चाहते हो कि इस बिंदु पर कितने मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, कहां से? यहां से। तो 1 - x की वैल्यू रख दो भाई, 1 - x, x कितना है आपका, x कितना आया 0.414 की वैल्यू यहां रखो, तो 1 में से 0.414 जाएंगे, जो आंसर आगा इतनी मीटर दूरी पर, यहां से इतनी मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब जो यहां से यहां करने पर आंसर आया और यहां से यहां करने पर आंसर आया, दोनों को अगर जोड़ोगे ना तो उसका जो आंसर बनेगा 1 मीटर बनेगा, और अगर 1 मीटर नहीं बना तो बेटा आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो बात समझ में आ गई। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी कितनी होगी, 0.414, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, और यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए 1 - x कितना है 0.414 रखो x के स्थान पर, जो आंसर आगा वो यहां से यहां पर क्या होगा, दूरी होगी जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, और उन दोनों वैल्यू को जोड़ोगे तो उसका जो आंसर बनेगा 1 मीटर बनेगा। तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। बताइए समझ में आया नहीं आया? चलिए अब जो ये न्यूमेरिकल है या आप खुद से सोल्व करेंगे, बिल्कुल इसी की तरह है, इसी से रिलेटेड है, आप खुद से सोल्व करें। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।